प्रणाम भैया, आओ आप बैठा। भैया बैठा ना। दीदी, आपको वीडियो दिखाए थे, आप को बोले थे कि आज 20 शोधन होगा। आप दीदी सब लोग के लेके आए हैं हम। हाँ हाँ भैया, हम तो सब चीज़ तैयार करके रखे हैं। दीदी और हम सब मिल करके अपना 20 शोधन कर लेंगे। चलिए दीदी, चलिए भैया, चलिए बीस चलिए शोधन के लिए। चलिए चलिए चलो दीदी। दीदी, आप वीडियो देख करके बोले थे कि करेंगे बढ़िया से, कैसा लग रहा है आप लोग के? हाँ हाँ भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको तो बहुत आत्मविश्वास हुआ। देखिए, ये सब शोधन के लिए लाए हैं और करने के लिए तैयार भी है खेती। तो सब लोग हम लोग करेंगे दीदी, हाँ सब हाँ जी, लोग करेंगे। सब लोग करेंगे। दीदी, हम सभी का परिचय हो जाए, परिचय ठीक से। भैया। जी हाँ, VRP राजेश केवट, उजाला व्यू, बतसपुर। ललिता देवी, बतासपुर रहने वाली हूँ। दीदी, आप 5 कट्ठा खेती धान श्री विधि से करने के लिए बोले थे। 5 कट्ठा खेती के लिए आप बीज आपका 400 ग्राम होते हैं। देखिए, 400 ग्राम होते हैं दीदी। ये 400 ग्राम बीज आपका 5 कट्ठा खेती के लिए है दीदी। बाप रे बाप, 400 ग्राम में कैसे धान रोपे थे भैया? हम नहीं रोपो 400 ग्राम में धान। उन मतलब 5 कट्ठा खेत है भैया, और 400 ग्राम तू देता है धान में, तो इतना में हो जीता ना होता? अब हम रस धान उन खेत उतना कर। 5 कट्ठा कैसे रोपाएगा भैया? हम लोग कैसे उतना करेंगे? हम लोग से नहीं रो पाएगा। ना ना दीदी, 400 ग्राम बीज में 5 कट्ठा खेती आपको रोपा जाएंगे, इसका जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। देखिए दीदी, आपको 5 कट्ठा खेती 400 ग्राम बीज में ही रोपा जाएंगे, यही तो श्री विधि का अपना खासियत है दीदी। 400 ग्राम बीज में 16,000 पौधे होते हैं, उसमें आपको 5 कट्ठा श्री विधि से खेती रोपने के बाद भी आपको 4,149 पौधे बच जाते हैं। आपको धान की बीज 400 ग्राम है दीदी, और बावेस्टिन मात्र इसमें से 1 ग्राम देना है, नवक आवश्यकता अनुसार, और 1 मुर्गी के अंडे हैं, 2 प्लास्टिक हैं जो हाथ में यह करके यह होगा, पानी 2 लीटर है। दीदी, पहले आप अंडे को पानी में डालिए। देखिए, पानी में अंडा नीचे चल गया, बैठ गया, बैठल। तो ये अंडे की पहचान है कि शुद्ध अंडे अपने पानी में बैठ जाएंगे। खराब अंडे पानी में तैरते हैं, तैरते हैं। हाँ, अंडा निकालिए दीदी, पानी में से अंडा को निकाल लीजिए। अब नमक डालिए दीदी, डालते जाइए, घोलते जाइए, घोल तैयार करते जाइए। अंडा उसमें डाल के देखिए दीदी, तैरता है अंडा कि नहीं तैरता? देखिए, नहीं भैया, नहीं तैर रहा। और उसको अंडा निकालिए अभी। हाँ चलिए, थोड़ा सा नमक दीजिए इसमें। चलिए नमक, हाँ घोलिए दीदी, नमक को घोलिए, फिर कुना डाल के देखिए। अगर घोल तैयार रहेगा तो आपको अंडा तैरेगा। हाँ, तैरने लगा भैया। आप घोल आपको तैयार है दीदी? नहीं भैया, हम अंडा को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दीदी ठीक है, आप अंडे नहीं छूती है तो अंडे के साइज का 1 आलू लेके आप आइए। खुशबू, 1 आलू लेके आना। तो लीजिए भैया आलू आगे। देखिए दीदी, अंडा आलू दोनों समान है, बराबर बराबर है। अब देखिए दीदी, अंडे की जगह पर हम आलू को छोड़ते हैं इस घोल में। हाँ भैया, ठीक है ठीक है ठीक है दीदी। तो अंडे की जगह पर हम आलू से भी इस घोल को माप सकते हैं। दीदी, नमक की घोल में आप धान को डालिए। चलाइए, हाँ दीदी, जितना चलाइए सब पूर्ण रूप से चलिए। दीदी देखिए, आप इसमें घोल में जो ऊपर आ रहे हैं वो बीज हमारे काम लायक नहीं है, इसको हम पुनः निकालेंगे हाथ से। ये जो ऊपर वाला बीज है, जो गलत बीज है, हाँ इसको हम निकालिए, दें फायदा है ना। खखरी है ना भैया? हाँ, खखरी है, पटपरा है, ये सब धान को निकाल देना है। अब बच रहा है जिसको क्या करेंगे, पानी के साथ में गिरा देंगे। बच रहा है इसको पानी के साथ गिराएंगे।
भैया सब पानिया गिरा ले भैया। हाँ पानी दीदी, नमक का पानी गिरा देना है। हाँ। और जितना आपका ऊंची धान है हाँ। वो बच गए। अच्छा, अब ऊंची धान ही देखिए, अब बच गए और ये बीज के लायक आपका धान रह गया, उचित बीज रह गया। ये अच्छा हाँ, बीज है ना भैया। हाँ, अभी खराब बीज था वो बाहर निकल गए। अब ये, अब दीदी ये नमक की मात्रा को हटा देना है, जो भी कुछ पानी बच रहे हैं इसको सब, सब है गिरा देना। सब पानी को गिरा देना है, नमक की घोल है ना, ये नमक की घोल की मात्रा की अब एक में जरूरत नहीं है। केवल गलत बीज को निकालने के लिए हम नमक की घोल लिया दिए थे। अरे भैया बीजवा काम गया जे? नहीं दीदी नहीं कमेगा बीज। अब दीदी इसमें भैया उपचार के लिए नमक का घोल क्यों जरूरी है भैया, इसका क्या फायदा है? सादा पानी में दीदी धान डालेंगे तो सब खखरी ऊपर नहीं आएगा, और नमक के घोल में हम बीज को डालेंगे तो खखरी ऊपर आ जाएगा और फिर खखरी पानी के साथ उसको गिरा देंगे। जी अच्छा अच्छा भैया, जो जलमने वाला धान नहीं रहता हुआ निकल जाता। हाँ हाँ, जो जलमने वाला धान नहीं है या खराब धान है उसको निकाल दिया जाता। हाँ, जी हाँ दीदी, खखरी बीज भी जन्मते हैं लेकिन वो कल्ले करने की क्षमता उसमें नहीं है, और वो कल्ले नहीं करेंगे और पौधा कमज़ोर होंगे और उनका बाली भी कमज़ोर होगी, इसीलिए हम खखरी बीज को अलग कर देते हैं। और खखरी बीज अभी से अलग रहेंगे तो हमारा जो पुष्ट पुष्ट धान है बढ़िया बीज है उसी को हम बीज श्री विधि के लिए हम निकालते हैं और खराब बीज को अभी से अलग कर देते हैं। ठीक है दीदी, जल दीजिए पानी दीजिए इसमें और चार पानी से इसको हम धोएंगे। चार पानी से क्या भैया? चार पानी से धोएंगे तो इसमें नमक की मात्रा हट जाए। नमक की मात्रा हटाने के चलते इसे कर रहे हैं। नमक का मात्रा रहेगा तो क्या होगा भैया? हाँ, नमक की मात्रा रहने से इसमें अंकुरण नहीं होने देंगे, धान सड़ सकते हैं, इसीलिए नमक की मात्रा हटाया जाता है। दीदी पानी दीजिए इसको, नमक की मात्रा एकदम दूर कर देंगे। फिर कैसे पता लगेगा भैया किसमें से नमक कहाँ से हट गया? पानी दीजिए दीदी, इसके बाद हम चेक करेंगे, स्वाद से चेक करेंगे। कोई दीदी ऐसा रहेगा बीज डाल के छोड़ देगा ना? हाँ तो दीदी सावधानी, हाँ यही तो सावधानी है कि नमक के अंश हटा देना है। धान के बीज में जो भी हम घोल बनाए उसको उचित रूप से धोया कि नहीं धोया बीज, और धोवा जाएंगे तो इसमें से नमक की मात्रा पुनः निकल गए, और निकल गए तो फिर उचित अब फ्रेश हो गए। दीदी इसको अपने स्वाद से चखिए, नमक की मात्रा हट गया या नहीं हटा? हाँ भैया बिल्कुल, अब नमक का मात्रा हट गया है। चलिए दीदी अब धान फ्रेश हो गया। अच्छा भैया अब क्या करना है? दीदी बीज को बोरी पर निकालिए जल्दी, सब निकाल लीजिए। हाँ ये सूती बोरी है दीदी, सूती बोरी में ही निकालना चाहिए, और इसको अब लपेट करके पोटली बना देंगे। लाइए सुतलिया लाइए, अब बांधिए, पकड़िए दीदी इसे पकड़िए ऊपर। हाँ पुनः ये मोटली को दीदी पानी में 18 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दीजिए। बाल्टी लाई दीदी, इसको पुनः 18 घंटे पानी में डुबा करके छोड़ दीजिए। 18 घंटा क्यों भैया? 18 घंटे में इसमें नमी आ जाएंगे, और धान में नमी होना अनिवार्य है, नमी होंगे तब अंकुरण होंगे, इसीलिए नमी आने के लिए 18 घंटा हम पानी में इसको फूलने के लिए छोड़ दें। अच्छा अच्छा भैया सूती बोरा में? हाँ दीदी सूती बोरा में ही इसको बांधना चाहिए, काहे सूती बोरा ही आपको अच्छा रहेगा, और प्लास्टिक वाला बोरा में आपको बीज खराब हो सकता है, सड़ सकता है, और सूती बोरा में आपको इसमें हवा भी लगता है, पानी की मात्रा भी रहता है, अच्छा रहता है। हाँ भैया तो सूती बोरा में ही 18 घंटा बांध कर पानी रखेंगे। हाँ पानी में डाल देंगे 18 घंटा फूलने के लिए। ठीक है हाँ दीदी, अभी 1 बजे हैं और इसको फूलने के लिए 18 घंटा छोड़ेंगे,
कल पुनः 7 बजे सुबह इसको निकालेंगे दीदी, प्रातः काल सवेरे कल आकर के इसको हम पूरा इसको पानी से निकाल करके और घरा करके इसको हम बविष्टी पाउडर लगाएंगे। तो कल की बात रह गया दीदी, अब चलते हैं और कल फिर पुनः आएंगे। इसको बढ़िया से रख दीजिएगा, चूहा नहीं खाए दीदी, जानवर नहीं खाए, इसको बचा के रखिएगा। ठीक है दीदी, नमस्कार दीदी, अब चलते हैं दीदी। चलिए दीदी, चलिए अपना सामान रखिए। ठीक है, आपका हो गया, अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, फिर भी हम आवेंगे। देखिए दीदी, बीज कोई संभाल कर रख देते हैं और ठीक है, 7 बजे हम लोग मिलेंगे दीदी फिर यहीं पर। ठीक है दीदी, हाँ भैया हम लोग सब कोई आ गए। ठीक है दीदी, नमस्कार। नमस्ते भैया। हाँ भैया, 18 घंटा हो गया है, अब क्या करना है दीदी? अब पानी से बाहर निकालेंगे, बाल्टी से बाहर निकालेंगे, पानी में से फूल गया ये, 18 घंटे इसको समय हो गए, 18 घंटे बाद इसको पानी से निकालेंगे। अब इसको पोटली को खोलेंगे, देखिए दीदी अभी पोटली को खोल दिए, देखिए दीदी ये धान आपका बरघरा गया, ये बीज बरघरा गया 18 घंटा फूलने के बाद, ये बरघरा गया और इसको पानी हम छान दिए बढ़िया, ये बरघरा गया, इसमें अब बाविस्टिन पाउडर इसमें हम छिड़केंगे। देखिए दीदी 1 ग्राम बाविस्टिन पाउडर है, ये 400 ग्राम बीज के लिए हम मात्र 1 ग्राम बाविस्टिन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको पूरे बढ़िया छिड़काव कर करके और अब हाथ में पोलोथीन पहन लेंगे दीदी, काहे वो हाँ या पोलोथीन पहनते हैं इसलिए कि हाँ जहरीला हुआ है, इसलिए हाथ में यह नहीं हुआ। इसको खूब बढ़िया से मिलाएंगे, इसको खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे कि प्रत्येक बीज में ये दवा लग जाए। अब दीदी देखिए बाविस्टिन पाउडर, इसमें कार्बिंडा जाइम होते हैं और ये धान के लिए फफूंद नाशी रोग को दूर भगाता है। इसमें पौधे मतलब कीटाणु नहीं, जी हाँ जड़ में, जड़ शुरू से स्वस्थ रहते हैं पौधे और आगे तक आपको अच्छा रहता है पौधा, इसलिए बाविस्टिन मिलाते हैं। हाँ पेट में बच्चा रहे तो कैसे टीकाकरण, जी हाँ बस 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 हाँ ये टीकाकरण लग रहे हैं, जिस तरह से शिशु बच्चे को टीका लगते हैं उस तरह से ये अपना बीज में ही बांधिए। इसको दीदी इसको पोटली बना लीजिए, फिर इसको बांध हाँ करेंगे भैया, और बांध करके और 18 घंटे तक छायेदार जगह में टांग दीजिए। अगर ये पोटली पर रुखा होता है, सूखता है हवा से, तो हल्का हल्का छींटा मारिए, हल्का हल्का इस तरह से, हल्का छींटा मारने से क्या होगा इसमें कि बॉडी भींगा हुआ रहेगा, और इतना भी ज़्यादा ना मार दीजिए कि पानी इसमें से चूए, पानी भी नहीं चूना चाहिए जी। और हवादार में इसीलिए टांगा जाता है इसमें अंकुरण अच्छा से हो, और जूट के बोरी इसीलिए दिया जाता है कि इसमें नमी बरकरार रखे, हाँ हाँ ठंड हाँ बोरी में ठंडा है और प्लास्टिक में नहीं बांधना चाहिए, प्लास्टिक में सूख जाएगा तो उसका जी अंकुर तो सूख जाएगा, हाँ हाँ इसलिए ये बोरी में नमी रहता है। और पानी का हल्का हल्का छिड़काव हमेशा हमेशा बीच बीच में करते रहिए और फिर 18 घंटे के बाद इसको आप खेत में ले जा सकते हैं। दीदी आपको बीज शोधन करके हम बता दिए, अब बीज शोधन से हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा बताइए आप लोग। ठीक हाँ भैया, हम अथी बीज का शोधन करने से जो बीज का में जो खराब मतलब कि जो खाखरी होता है वह निकल जाती है। आप बोलिए दीदी। हाँ भैया, बीज शोधन करने से पौधा मजबूत हो जाती है। हाँ भैया, जैसे बच्चा को टीकाकरण लगता है उस तरह से टीकाकरण लग गया वो मजबूत हो गया। हाँ दीदी ठीक, आप लोग बीज उपचार करके ही श्री विधि से खेती के लिए बीज उपचार करिएगा। हाँ भैया, हम लोग भी करेंगे ऐसा किए, और आपको जब मदद पड़ेगी आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है भैया।